दिनों का नहीं घंटों का खेल रह गया। बड़ी ईद का रवायती जोशो खरोश उरूज पर पहुंच गया। जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों में रश। खरीदार देखकर व्यापारियों ने आंखें माथे पर रख ली। मुंह मांगे दामों की गर्दान, खरीदार हैरान परेशान। भावताव बहस तकरार का तूफान। खूबसूरत बांके सजीले छैल छबीले जानवर देखने के शौक में बच्चे भी मंडियों में पहुंच गए। मवेशी मंडियों में रश। मालबरदार गाड़ियों की तवील कतार। आने जाने वालों को घंटों का इंतजार। सीटीओ मुंतजिर मेहदी का सगिया मंडी का दौरा। अहलकारों को रोड पर खड़ी गाड़ियां हटाने, रास्ते क्लियर रखने का हुक्म। ईद पर क्लीन लाहौर की मुहिम। शहर को आलाइशों से पाक रखने के खसूसी इंतजाम। शहरियों में वेस्ट बैग की बड़े पैमाने पर तकसीम। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर रियाज ने लक्ष्मी चौक पर वेस्ट बैग तकसीम का जायजा लिया। मवेशी मंडियों में भी LWMC ने कैंप लगा लिए। शहरियों को मुफ्त वेस्ट बैग फ्राहम। ईद मनाने के लिए परदेशियों की उड़ान। लारी अड्डे पर रश, किराए डबल। वावेला काम आया ना मिन्नत तरला। जायद किरायों की धड़ल्ले से वसूली। जायद किरायों पर वजीर आला का नोटिस। जुम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। ईद से कबल आखिरी रोज जमानत के लिए दरख्वास्तों का रश। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान समेत 6 जजेस समाअत में मसरूफ रहे। सेशन कोर्ट से जमानत मंजूरी पर जज्बाती मंजर। रिहाई मिलने पर रिहा होने वाला आमिर सुहेल आबदीदा हो गया। मौसम अबर आलूद हो गया। ठंडी हवाएं चल पड़ी। गर्मी और हब्स के सताए लाहौरियों को सूखा गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री रिकॉर्ड। बड़ी ईद पर लेस्को का बड़ा ऐलान। ईद के तीनों रोज लोड शेडिंग का नागा। नॉनस्टॉप पावर सप्लाई का वादा। बारिशों की सूरत फॉल्ट से निपटने के लिए स्पेशल टीमें भी मुकर्रर। अमला को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। गैस कंपनी का भी बिला तातुल गैस फराहमी का फैसला। खसूसी टीमें तश्कील दे। कमिश्नर के लाहौर बहाली प्रोजेक्ट पर काम का आगाज। 29 सड़कों की अपग्रेडेशन के लिए 2 अरब 11 करोड़ का तखमीना। लोअर माल केनाल रोड, एबट रोड, ऐवान इकबाल रोड मनसूबे में शामिल। लिटन रोड, बांसावाला बाजार, जावी रोड, मौलाना शौकत अली रोड, बेदिया रोड भी अपग्रेड होगा। बल्दियाती इदारे बहाल न करने से मुतालिक समाज। हुकूमत ने हाईकोर्ट में जमा कराया जवाब वापस ले लिया। इदारों की बहाली के लिए तश्कील दी गई कमेटियों का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। अहम समाज पर चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात अदालत पेश। जस्टिस आयशा मलिक ने प्लान ऑफ एक्शन पर अमल दरामद के लिए 28 जुलाई तक मोहलत दे दी। एडमिनिस्ट्रेटर्स के जरिए फंड्स के इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्म भी वापस। तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल पर पाबंदी बरकरार। बल्दियाती निज़ाम की बहाली के अमल का आगाज। सेक्रेटरी बल्दियात ने इख्तियारात मुंतकली के लिए डिवीजन, जिली, तहसील सतह पर टीमें तश्कील दे दी। सूबाई सतह की 6 रुकनी टीम के निगरान सेक्रेटरी बल्दियात खुद होंगे। टीमों को काम मुकम्मल करने के लिए 3 माह दरकार होंगे। फिरदौस आशिक आवान का मुस्ताफी होने का फैसला। मुआवने खसूसी मुस्ताफी होकर सियालकोट इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेंगी। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती ओहदा रखते हुए सियासी रहनुमाओं के इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी लगा रखी है। गरीब की सवारी फिर महंगी। हुंडा मोटरसाइकिल की कीमत में इजाफा। CD70 2400 इजाफे से 86,900 रुपये की हो गई। 3,000 इजाफे से CD Dream 93,500। 70 Pride 1,20,500 रुपये की हो गई। CCA 125 की कीमत में भी 3,000 का इजाफा। नई कीमत 1,42,500 जबकि CV 150 5,000 इजाफे से 2,64,000 की हो गई। सेंट्रल बिजनेस हब की तैयारी। वॉल्टन एयरपोर्ट इराजी महंगे दामों फरोख्त का फैसला। CBDA ने 5 कीमती कमर्शियल प्लॉट नीलामी के लिए रख दिए। फी मरला तारुफी कीमत 24 करोड़ मुकर्रर। नीलामी 5 अगस्त को होगी। रेवेन्यू तखमीना 23 अरब मुकर्रर।
शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम बहाल करने की जानिब पेशरफ्त, रवां साल ही 200 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर लाने का मंसूबा। वजीर ट्रांसपोर्ट 2 अरब 90 करोड़ की इजाफी ग्रांट के लिए डट गए। दानिशगाह या करप्शन की आमाजगा, मुस्तहिक ज़हीन बच्चों के लिए बनाए दानिश स्कूल बदउनवानी का गढ़ बन गए। शुमाली पंजाब के 4 स्कूलों में 1 अरब 59 करोड़ से ज़ायद की बेज़ाब्ती का इंकशाफ, ऑडिट रिपोर्ट पंजाब असेंबली में पेश। रिकॉर्ड खराब होने का डर, पुलिस का इंदराजे मुकदमा में टालमटोल, बहानेबाजियां बढ़ गईं। मुतासरीन ने मजबूर आईजी ऑफिस से ऑनलाइन रुजू कर लिया। 8,500 शिकायात पर मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। दीगर मामलात पर आईजी सेल को 58,000 दरख्वास्तें मौसूल। बकरे की मांग कब तक खैर मनाएगी, एक न एक दिन छुरी तले तो आएगी। पुलिस की वर्दी में डाकू गैंग गिरफ्तार, गैंग लूटमार, जालसाजी और छीना झपटी के 72 मुकदमात में मतलूब था। असलहा 2 लाख नकली, 8 मोबाइल फोन्स बरामद, इब्तदाई तफ्तीश में संगीन वारदातों का एतराफ। ताजपुरा स्कीम में चोर छा गए, घर के बाहर से शहरी कीमती गाड़ी से महरूम हो गया। गाजियाबाद पुलिस का इंदराजे मुकदमा में टालमटोल। चाइना से दरामदात पर कस्टम ड्यूटी खत्म, खसूसी छूट मिलेगी। सीपैक के ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ने सिफारिशात पेश कर दी। टैक्स छूट की सिफारिश सेहत, तालीम, जरी शोबे के लिए की गई है। सीपैक अथॉरिटी ने भी हमायत कर दी। हुकूमती वादे पूरे हुए ना दावे, 25% स्पेशल अलाउंस मिला ना 10% एडहॉक तनख्वाह बढ़ी। एपका मुलाजमीन का सबर जवाब दे गया। इवान वजीर आला के सामने एहतजाज, इजाफी तनख्वाह का वादा फौरी पूरा करने का मुतालबा। ईद से कबल तनख्वाहें ना मिलने पर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रायवेंड रोड के मुलाजमीन का एहतजाज। सर्विसेज अस्पताल का सफाई अमला 9 माह से तनख्वाह से महरूम, सुनवाई के बावजूद इंतजामी बेहिसी बरकरार। सफाई अमला गैर यकीनी का शिकार, ईद से कबल तनख्वाहें न मिलने पर एमरजेंसी और ओपीडी के सामने एहतजाज, फौरी अदायगियों का मुतालबा। महकमे एक्साइज की नाकाबंदी मुहिम कामयाब, 3 हफ्तों में 1.25 अरब का टोकन टैक्स जमा। लाहौर में 70,000 गाड़ी मालिकान ने 65 करोड़ जमा करवाए। प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को प्राइवेट कॉलेजेस से इलाहा की इजाजत गैर कानूनी करार, हायर एजुकेशन कमीशन ने पंजाब हुकूमत की पॉलिसी मुस्तरद कर दी। सिर्फ मंजूर शुदा सब कैंपसेस में ही दाखिलों की इजाजत है, इलाहा शुदा कॉलेजेस की डिग्री गैर कानूनी होगी, कमीशन ने खबरदार कर दिया। कबर कुशाई की दरख्वास्त सिर्फ कानूनी वारिस दे सकता है, हाईकोर्ट फैसले की नकूल पेश। कानूनी नुक्ता सामने आने पर मजिस्ट्रेट ने गैर मुतअल्लिका दरख्वास्तें खारिज कर दी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में शजरकारी मुहिम का आगाज, मॉडल टाउन सेंट्रल पार्क में वजीर कानून राजा बशारत ने पौधा लगाया। तकरीब में साबिक सदर सोसाइटी साहबजादा सैफुररहमान भी शरीक हुए। कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी है, अदायगी के दौरान कोरोना SOPs का ख्याल रखें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। वजीर आजम के मुआवने खसूसी ताहिर अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले अल्लाह पर तवक्कुल और वैक्सीन कोरोना से निजात के 2 ही रास्ते। CCPO ऑफिस में इमदादी रकम तकसीम की तकरीब, 163 अहलकारों में स्कॉलरशिप, जहेज और इनामी रकम के चेक तकसीम किए गए। तकरीब में DIG साजिद क्यानी, SSP एडमन वकार शुएब ने भी शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उमर सुहेल जिया भट्ट की आज सालगिरह, साबिक MNA की सालगिरह के मौके पर लीगी रहनुमाओं और कारकुनान की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात का सिलसिला जारी। और कौमी वेट लिफ्टर तलहा भट्ट टोक्यो ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए तमगे की उम्मीद,
गैर मामूली सलाहियतों के हामिल वेटलिफ्टर को कॉन्टिनेंटल कोटा पर ओलंपिक में शिरकत की इजाजत मिली। तलहा भट्ट को वालिद की कोचिंग पर एतमाद, अपसेट करने के लिए पुराज़।